गुड मॉर्निंग क्लास 8. टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 12, दैट इज़ हाउ न्यूज़पेपर इज़ मेड. सो जो न्यूज़पेपर है, जो हमने घरों में पढ़ते हैं, वो किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कौन कलेक्ट करता है उसे, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो न्यूज़पेपर हमारे घर तक पहुँचता कैसे है, वो हम पूरा इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे. ओके. न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट गोज थ्रू many processes before it reaches your hand. Here is the story of a newspaper given in different steps. So here is the steps. Very first step is a reporter collects stories and a photographer shoots photos. Second, the stories and the picture given to copy editors to be reviewed. फिर जो वो pictures और जो story होती है वो copy editor को दी जाती है ताकि वो उसको review कर सके. Then प्रूफ रीडर्स चेक द अप्रूव्ड हेडलाइंस, कैप्शन एंड द स्पेलिंग्स. फिर वो वहाँ पर उसको अप्रूव करते हैं, उनकी हेडलाइंस को चेक करते हैं, कैप्शंस चेक करते हैं, और जो उनकी स्पेलिंग्स अगर मिस्टेक है तो उसको चेक करते हैं. नेक्स्ट वन इज फोर्थ, वंस द स्टोरी एंड द पिक्चर्स रेडी, द डिज़ाइनर स्टार्ट डिज़ाइनिंग द पेज. जो न्यूज़पेपर का जो पेज होता है वो डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं. देन once the operation receives digital files of the page, he makes four plates using CTP machine. CTP machine is computer to plate machine. इसमें क्या होता है, ये एक प्रिंटिंग मशीन टाइप की होती है जिसमें डायरेक्टली कंप्यूटर से सीधा प्लेट पर जो इमेज चाहिए होती है वो आ जाती है. He punches each plate so that it is perfectly mounted to the printing press. वो हर एक प्लेट को अच्छे से प्रेस करता है ताकि वो अच्छे से वहाँ पर आ जाए. नेक्स्ट इज 7, हेयर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन हाउ द प्रिंटिंग प्रेस वर्क. सी यहाँ पर क्या होता है, ये जब इसको ये सिलेंडर को जब नीचे माउंट करते हैं तो यहाँ से ये जो ब्लैक पेपर होता है ये कलर्ड पे, यहाँ पर साइड में कलर्स होते हैं विद वाइट कलर. ये क्या करता है, उसको न्यूज़पेपर को कलर्ड करने के लिए काम आता है. जैसे कि जब हम हमारे प्रिंटर्स में भी क्या होता है, इस तरीके के कलर्स होते हैं तभी हमारे प्रिंट फोटोग्राफ्स आती हैं. ऐसे ही सेम न्यूज़पेपर में भी प्रिंट फोटोग्राफ्स कहाँ से आते हैं, इस मशीन से. ओके. यहाँ से ये फ्लो करके फिर यहाँ पे रेडी शीट से यहाँ से न्यूज़पेपर जो है वो निकल जाएगा. एंड देन क्या होगा, द सर्कुलेशन डिपार्टमेंट सर्कुलेट्स द न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज via trains, vans and even aeroplanes. The subscribers receive their copies and enjoy reading. जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट होता है वो काफ़ी लोगों को, जैसे जो लोग सड़कों पर न्यूज़पेपर बेचते हैं, दुकानों में बेचते हैं, उन तक सप्लाई कर देते हैं और फिर वो आगे उन्हें भेजते हैं. नाउ हेयर इज़ अर एक्सरसाइज, मैच द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर विद इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड हमें इनको मार्क करना है. सो वेरी फर्स्ट इज द सेक्शन दैट टेल्स अबाउट द ओपिनियन ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर ऑन द वीकली टॉप न्यूज इज एडिटोरियल्स. ओके. सेकंड इज द सेक्शन दैट टेल्स अबाउट द डिटेल ऑफ द डेथ ऑफ एक्विंटेंस, दैट इज ओबिटेरियस. यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किस तरीके से हुई, वो सब कुछ ओबिटेरियस बताते हैं. थर्ड इज द सेक्शन दैट टेल्स अबाउट डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इज स्पोर्ट्स. फोर्थ वन इज द सेक्शन दैट स्टेट्स द वेदर फोरकास्ट इज वेदर. फिफ्थ इज द सेक्शन दैट टेल्स अबाउट द जॉब वैकेंसीज इज क्लासिफाइड. सिक्स्थ वन इज द सेक्शन दैट प्रिडिक्ट्स हाउ योर डे विल गो इज होरोस्कोप. And the seventh one and the last one is the section that tells about the stock market situation is finance. Now, just moving to our next chapter, that is chapter 13, alternatives to chemicals. यानी कि chemicals की बजाय हम क्या उनकी जगह use कर सकते हैं. People use chemicals in everyday life, unaware of the fact that they are hazardous to health. Here are some alternatives to chemicals that will benefit your personal health and the environment. Name these possible alternatives to chemicals. यानी कि हम chemicals की बजाय क्या चीज़ use कर सकते हैं अपनी daily life में, वो हमें यहाँ पर है. Okay. Very first is, it is natural found sodium chloride. See, natural found sodium chloride is salt and is non-toxic, and salt is non-toxic. Diluted in water,
इट कैन बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक टू ट्रीट ओपन वाउंड्स, यानी कि जो हमारी जो चोटें लग जाती हैं अगर हम उस पर डायरेक्टली सॉल्ट को अप्लाई करें तो वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं उससे. सेकेंड वन इज़ बाय फर्मेंटिंग एप्पल्स, ग्रेप्स और माल्ट वी गेट दिस ट्रांसलूसेंट लिक्विड सब्सटेंस दैट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग. इट ऑल्सो एक्ट एज अ गुड डिओड्रेंट दैट इज विनेगर. ओके द थर्ड वन इज इट इज ड्राइड फ्लावर बट दैट इज यूज एज अ स्पाइस. इट इज नॉन टॉक्सिक स्वीट स्मेलिंग एंड इज यूज इन अ टूथपेस्ट. दिस इज क्लोव, जो ब्लैक कलर की होती है ना, काली मिर्च भी बोलते हैं इनको. इट हैज़ मेडिसिनल एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज. इट इवेपोरेट्स क्विकली वेन एक्सपोज टू एयर. इट कैन रिमूव ग्रीस गम एंड स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लोथ्स दैट इज इकलिप्टस ऑयल. नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक डोर मैट्स ब्रशेस एक्सेट्रा दैट इज कोर. इट्स जूस इज गुड ब्लीचिंग एजेंट. It removes stains and act as an insect repellent. That is lemon. If we mix this with water and spray in the garden area or outer wall of the our house, it will act as a good insecticide as the smell keeps insects away. That is garlic spray. Next is the outer hard cover of the egg has a lot of medicinal, natural and chemical properties that can be used as a good alternative to chemicals in skin treatment, gardening and pest control. That is eggshell, yani ki jo egg ka jo upar ki covering hoti hai na, tight covering, that a paste is made from the powdered leaf of this plant is used to make tattoo like design on the body as well to color hair. That is henna, jo mehndi hoti hai wo. A hot beverage we drink can be used as a natural dye for hair. That is black coffee. Our next chapter is 14. That is memory improvement. Memory enhance is the act of improving one's memory by practicing different methods. How many times has it happened that while learning a lesson we employed different methods to engrave that the memory onto our mind, be it through moving around the room while speaking loudly or by repeating what we just memorized to someone else. Given below are some ways to improve memory. See, here we have some ways to improve our memory. Now these are divided into some steps. So how you are going to improve your memory? With the very first way is read. This chapter is important to you. You can improve your memory by implying these steps into your life. First is read. सबसे पहले तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको रीड करो. रीड योर टेक्स्ट बुक टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मेक शॉर्टर नोट्स एंड स्टडी देम. राइट थिंग्स डाउन. अब जो आपने वहाँ पर लिखा है, यानी कि जो चीज़ पढ़ी है, उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो उसको अंडरलाइन करो और उसे एक जगह नोटबुक में लिख लो. राइट डाउन व्हाट यू हैव रीड एंड मेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड ऑन इट. ओके द थर्ड वन इज रीड आउट लाउड. जो भी आप पढ़ रहे हो वो उसको थोड़ा सा अपनी आवाज़ से पढ़ो. उसको थोड़ा जोर से पढ़ो, मन में नहीं पढ़ने के बजाय उसको थोड़ा जोर से पढ़ो. रीड आउट लाउड द टॉपिक यू आर स्टडिंग और टीच इट टू समवन एल्स. फोर्थ वन इज टेस्ट योरसेल्फ. अब जो जितना आपने पढ़ लिया उसको उसके तरीके से अपना एक एग्जाम लो. सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स टू टेस्ट योर नॉलेज. फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस. आप उसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, दो तीन दिन बाद उसको एक बार रिवाइज करते रहो, उसको उसका टेस्ट देते रहो. तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी. कीप गोइंग ओवर व्हाट यू हैव रीड टू इम्प्रूव योर मेमोरी. ओके सो देयर आर सम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, प्रैक्टिसिंग कॉन्टिन्यूसली हेल्प इम्प्रूव मेमोरी. दैट इज ट्रू. रीडिंग आउट लाउड हेल्प्स इन मेमोरी इम्प्रूवमेंट. ट्रू. मेकिंग नोट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स फॉल्स बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर अस.
मेकिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स बेस्ड ऑन नोट्स इज गुड फॉर मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन. ट्रू. और नेक्स्ट चैप्टर इज स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी. 15. गिवन बिलो आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्पोर्ट्स. टिक राइट द करेक्ट स्पोर्ट विद विच द गिवन टर्म्स आर एसोसिएटेड. फर्स्ट, ड्रॉप स्मैश डबल्स सर्विसेज. दिस हैपन्स इन बैडमिंटन. सेकेंड वन इज बेस हिटलर कैचर पिच. दिस इज फॉर बेसबॉल. डक क्रीज गूगल लेग बाय. दिस इज फॉर क्रिकेट. फॉल्ट नेट वॉली बैकहेंड. दिस इज इन टेनिस. वॉली सर्विस बम वॉलीबॉल. पॉकेट क्यू ब्रेक चॉक. दिस इज इन बिलियर्ड्स. सेवेंथ वन इज स्क्रू ब्राइबल कॉर्नर पेनल्टी स्ट्रॉक. दिस इज इन हॉकी. कट जैब बॉट नॉकआउट. दिस इज इन बॉक्सिंग. बॉन जी टी पडर पटर बर्डी. दिस इज इन गोल्फ. थ्री पॉइंटर ड्रिबलिंग होल्डिंग ड्रंक. दिस इज इन बास्केटबॉल. सेटलमेट चेक गैम्बिट कैसलिंग. दिस इज इन चेस. एंड द लास्ट वन इज शूट थ्रोन इन ऑफसाइड पेनल्टी किक. दिस इज इन फुटबॉल. नाउ और चैप्टर 16 इज इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे इंडिया की जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के बारे में. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. इट हैज़ वेरियस यूनिट्स अंडर इट्स कंट्रोल. देर आर थ्री प्रोफेशनल यूनिट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, दैट इज द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी. यानी कि आर्मी जो हमारे लैंड पर हमारी रक्षा करती है, एयरफोर्स जो एयर के पाथवे के थ्रू हमारी प्रोटेक्शन करती है, एंड नेवी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द वाटरवे. ओके, गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. मैच देम विद देयर करेक्ट नेम्स. फर्स्ट इज इट इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द इंडियन आर्मी इन चेन्नई. विच ट्रेन्स ऑफिसर्स फॉर ऑल द ब्रांचेज ऑफ द आर्मी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. यानी कि जो ये इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, दिस इज इन चेन्नई, और वो ट्रेन करते हैं सारे आर्मी ऑफिसर्स को टू कमिट दिस शॉर्ट सर्विस कमीशन. दिस इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. सेकेंड इज इट इज अ जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ आर्म फोर्सेस बिफोर द ग्रेजुएट्स जॉइन देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज. यानी कि सारी रिस्पेक्टिव सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले नेशनल डिफेंस अकेडमी में वहाँ पर जाना पड़ता है. दिस इज इट्स आल्सो इट इज कंसीडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस एंड गार्ड्स इंडियाज लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम. दिस इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. BSF भी बोलते हैं इसे. BSF, राइट. दिस इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. फोर्थ इज दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन्स मिलिट्री ऑफिसर्स एट देहरादून फॉर द इंडियन आर्मी. दिस इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी. फिफ्थ, इट इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्सेज इन इंडिया. इट असिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. इट्स आंसर इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. एंड द लास्ट वन इज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इनक्यूलेट्स डिसिप्लिन एंड पेट्रियाटिक फीलिंग इन यूथ इन द कंट्री. दिस इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स. नाउ हियर वी हैव अ वर्कशीट दैट यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ एंड सेंड इट टू मी एज योर होमवर्क. ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड वट एवर वी हैव डन लाइक चैप्टर 11, 12, 13, 14 एंड 15, दैट इज योर क्लास वर्क. दिस वर्कशीट 1 इज योर होमवर्क.